बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, शादाबाद होंगे अपने घरों में। तो आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है दिल, कलेजी और फेफड़ा। तो अक्सर दिल और कलेजी मैंने देखा है कि पकाया जाता है, लेकिन मैं साथ में वो फेफड़ा भी यूज़ करूँगी। तो इसके लिए मैंने एक पूरा जो है वो ले लिया था कलेजी फेफड़ा और साथ दिल, और उसको कट कर लिया। और प्याज ले ली एक दरमियानी साइज़ की, टमाटर ले ली दो, और लहसुन अदरक के पेस्ट के मैंने 2 टेबलस्पून ले लिए। ये इधर सब्ज़ मिर्च और धनिया ले लिया, सब्ज़ मिर्च के 2-2 पीस कर ली। ऑयल ले लिया 1/2 कप, और ड्राई मसाले मैं आपके सामने ही डालूँगी। फिर इधर हांडी में मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया हुआ था, तो इसमें मैं अब सब कुछ शामिल करूंगी। ये दिल के पीसीज है और फेफड़ा है, पहले मैं इनको हांडी में डाल दूंगी। तो चूँकि कलेजी तो नरम होती है, वो जब इनको भूनूंगी उस टाइम कलेजी इसमें शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ ये टमाटर, ये प्याज, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट, ये डाल दिया इसमें मैंने। और ये ड्राई मसाले अब मैं डालूंगी इसमें। इसमें 1 टीस्पून जाएगा सूखी मिर्च का, 1/2 टेबलस्पून, और ये इसमें हल्दी जाएगी 1/2 टीस्पून। ये देखिए, इसको मैं मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करके इसको मैं कवर कर दूँगी। और जब तक ये गल जाए तब तक मैं इसको कवर करके रख दूँगी। जी तो आए देख लेते हैं कि ये कहाँ तक पहुँचा। बहुत स्टीम बनी हुई है। थोड़ा सा पानी रह गया, तो अब इसमें मैं कलेजी शामिल कर दूंगी ये, और इसको हिला के अच्छी तरह, तो कुछ देर के लिए मैं फिर कवर कर दूँगी। ये देखिए पानी मेरा खुशक हो गया इसमें से। इसमें मैं अब ऑयल शामिल कर दूँगी। ये ऑयल है 1/2 कप, ये इसमें डाल दूँगी। अब इसको भून लूंगी। प्याज टमाटर सब चीज़ें मैश हो गई हैं। ये देखिए ऑयल छोड़ दिया इसने, और ये अच्छे से भून चुका है। तो इसमें मैं अब सब्ज़ मिर्च और धनिया शामिल कर दूंगी। और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी आज की रेसिपी हो गई है तैयार, और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बना है। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलूँगी इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।